बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड से जुड़ी हुई एसबीआई ने उसमें वक्त मांग लिया है। इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड जिसके तहत चंदा दिया जाता है पार्टियों को, उसका जिक्र करता हूं। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग की है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 मार्च तक का टाइम दिया था कि एसबीआई ने जो भी इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड है उसको लेकर जो भी उनके पास डिटेल है उसका डेटा 6 मार्च तक देना होगा, लेकिन उसको लेकर एसबीआई ने समय मांग लिया है और एसबीआई कहता है कि 30 जून तक उनको समय दिया जाए, क्योंकि अब एसबीआई इसकी विस्तृत रिपोर्ट जुटाना चाहता है, तभी पूरा ब्यौरा दे पाएगा। मेरे सहयोगी निपुण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निपुण, क्या कुछ कहा गया है एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल जगविंदर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ये आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है उसमें जो प्राइवेसी का क्लॉज है, यानी लोगों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी कि किसने किसको कितना चंदा दिया है, ये गलत है। और जो मतदाता है उसको जानने का अधिकार है कि किसको किसने कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तब इसको असंवैधानिक करार दिया था और रद्द कर दिया था, और चुनाव आयोग को पूरा डाटा दे, इलेक्शन कमीशन को डाटा मिले स्टेट बैंक की तरफ से, और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक ये डाटा देना है कि 2017-18 से लेकर। लेकिन निपुण, आपको नहीं लगता है कि तब तक तो लोकसभा का चुनाव भी निकल जाएगा? ये इतना लंबा समय क्यों मांग लिया एसबीआई ने? बिल्कुल जगविंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका कि जब सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं मंशा ये थी कि मतदाता जो है वो जान सके कि किसको कितना चंदा मिला है और किससे मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने तभी 6 मार्च तक का समय दिया था और ये कहा था कि चुनाव आयोग 6 मार्च तक जो जानकारी स्टेट बैंक देगा उसको 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा ताकि लोग उसको देख सकें। लेकिन अब स्टेट बैंक कहता है कि 44,000 के करीब आंकड़े हैं जिनका विश्लेषण होगा, जिनकी एनालिसिस की जाएगी, उनको तरतीब से एक आंकड़े के रूप में जमा किया जाएगा और तब हम दे पाएंगे, तो हमको समय लगेगा। और 15 फरवरी को जो आपने 3 हफ्ते का समय दिया था, यानी 6 मार्च तक का समय दिया था, वो अपर्याप्त है, ना काफी है, तो हम 30 जून तक का समय मांगते हैं। बात और मैं एक बात आपकी बात से और समझना चाहता हूँ। बैंकों का तो सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, फिर ऐसा कौन सा नया आंकड़ा खोज कर लाना है जो डिटेल अभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी जा सकती? बिल्कुल सही सवाल है ये भी जगविंदर, क्योंकि ये सारा कुछ डिजिटल होता है और स्टेट बैंक के पास हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी, लेकिन स्टेट बैंक यही कह रहा है कि हमको जो आंकड़े जो हमारे पास हैं उसका विश्लेषण करके, उसको तरतीब में जमा करके चुनाव आयोग को देने के लिए समय की जरूरत है और 3 हफ्ते का समय नाकाफी है, हमको 30 जून तक का समय दीजिए। अब ये निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इस पर क्या रुख अपनाता है, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि 13 मार्च तक लोग सारी जानकारी पा सकें, देख सकें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए, शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ समय तो सुप्रीम कोर्ट जरूर दे देगा इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन के पास आंकड़े तैयार होते तो 6 मार्च तक वो सप्लाई कर दिए जाते चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग को देने में स्टेट बैंक को अभी समस्या है और वो समय मांग रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कितना समय देता है, क्या 30 जून तक का जो समय मांगा गया है वही समय देता है या 1-2 हफ्ते का समय बढ़ा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हूं कि आजकल तो मोबाइल पर एक ऐप आता है और हम सब आपके अपनी बैंक डिटेल्स, तमाम ट्रांजेक्शंस हम भी देख लेते हैं, कोई सरकारी एजेंसी चाहे वो भी तुरंत देख लेती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड को लेकर ये आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा सवाल आगे भी खोजने लायक बनता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।